सबसे पहले तो ये बताइए कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो इट डज नॉट रियली डिफाइन कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं. डू यू एग्री या इस ये कोई जुड़ा हुआ मामला मौजूदा सूरत हाल से, ये जो आज क्रैश किए स्टॉक एक्सचेंज? जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स हैं उनका करंट इकोनॉमिक फंडामेंटल से कम तल्लुक होता है. उनका एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से तल्लुक होता है, दूसरा मुल्क की फ्यूचर आउटलुक से होता है. अगर इन्वेस्टर फ्यूचर को मस्बत देखते हैं तो जिसको हम बुलिश कहते हैं वो फ्यूचर की पोजीशंस लेते हैं. जो ही उनको लगता है कि भाई अभी यहाँ पर वॉलेटिलिटी आ रही है या कोई यू नो इश्यूज जो है सही सेंस में नहीं जा रहे, नीचे चली जाती है. तो स्टॉक एक्सचेंज मईशत की परफॉर्मेंस का एज सच इंडिकेटर नहीं है. और अगर आप ये भी देखें तो वहां जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक बड़े नैरो यू नो कॉर्पोरेट बेस में होती हैं. वो मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का तब फायदा होता है तंजीला जब नई कंपनियां लिस्ट हो रही हों, नई इन्वेस्टमेंट आ रही हो, नई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो, लोगों को नई प्रोडक्ट्स ऑफर. अगर एग्जिस्टिंग कंपनियों में ट्रेडिंग होती जा रही है तो उसके अंदर मुल्क को एज सच डायरेक्ट इकोनॉमिक रिवाइवल का फायदा नहीं होता है.